अस्सलाम वालेकुम और सुबह बख़ैर। आज जी सुबह सुबह हम जो एक्टिविटी परफॉर्म करने लगे हैं वो है नए पौधे लगाना, टमाटर के ख़ास तौर पर, क्योंकि आपको पता है टमाटर बहुत महंगा, इसलिए अपना उगाना बड़ा ज़रूरी है। तो उसके लिए जो पनीरी मैंने ऑलरेडी पहले ही सही तकरीबन महीना पहले उगा ली थी, ये देखिए माशाल्लाह ये सब पनीरी है इसकी, और ये अपनी खाद, बायो खाद जिसको हम बोलते हैं, और ये है मिट्टी। ये पिछले स्टॉक साल की मैंने स्टॉक करके रखी है, ये मिट्टी ये होनी सारी। तो इसको गमलों के अंदर, ये गमले पड़े हुए हैं हमारे पास, इनके अंदर फिल करते हैं और नए पौधे लगाते हैं। देखें ये गमले के अंदर जो है वो सुराख नहीं है, तो उनके अंदर दरमियान नीचे सुराख करना जरूरी होता है, क्योंकि अगर पानी बारिश वगैरह का होता है तो अगर पानी जमा रहेगा तो पौधों की जड़ें खराब हो जाएगी, पौधे ज़्यादा ये ज़रूरी है क्या। हमें ड्रिल मशीन काम कर नहीं रही, तो मैंने उसके लिए जुगाड़ निकाला है। वो जुगाड़ क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। वो जुगाड़ ये है कि एक तरह लोहे के रॉड को गर्म करके और उसके ऊपर ये आप देखेंगे, बस ये सुराख हो गए। अब हम इनके अंदर मिट्टी डालते हैं और पौधे लगाते हैं इंशाल्लाह। सबसे पहले डालते हैं इसके अंदर मिट्टी, बिस्मिल्लाह। के साथ हमारे थोड़ी सी मिट्टी डाली अभी, गोबर खाद, बायो खाद जिसको हम बोलते हैं, थोड़ी सी डालते हैं। खाद गोबर भी डल गया, मिट्टी भी कुछ रेशों के साथ इसके अंदर डल गई। अब हम डालते हैं कंपाउंड, कंपोस्ट डालते हैं इसके अंदर। कंपोस्ट थोड़ा सा ये पौधों की सबसे बेहतरीन गुजरा है, मिक्स करते हैं। मिक्स हो गया और देखिए बस अच्छी तरह मिक्स हो गया। अभी इसके अंदर हम अपना पौधा लगा रहे हैं इंशाल्लाह। इस तरह जी अपने पौधे लग गए टमाटर के, इंशाल्लाह पेड़ के लिए अलहमदिल्ला पौधे टमाटर के हमने लगा दिए, और अभी इनको थोड़ा सा पानी लगा देते हैं।
अल्हम्दुलिल्लाह हमने आज का किचन गार्डन का काम खत्म कर लिया। फिर 7 पौधे हमने टमाटर के लगाए, दुआ करते हैं कि जो बड़े फल दें और हम इसको इंजॉय करें। तो इंशाल्लाह और भी पौधे लगाएंगे और साथ साथ इंशाल्लाह आपको बताएंगे कैसे ये काम। अल्लाह हाफिज़।